में मुंबई के कोपरखेड़ना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग सेवा संघ महाराष्ट्र की तरफ से राष्ट्रवादी महाराज सोहेल देव जी की 1007वीं जयंती महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राजभर समाज के MLC विधायक धर्मेंद्र राजभर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वैसे इस कार्यक्रम में कई रंगारंग कार्यक्रम रखे गए थे, जिसका आनंद लेते एवं महाराज सोहेल देव जी के विचारों को सुनने हजारों लोग शामिल हुए। पेश है हमारे मुंबई के संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में आज भारी संख्या में यहाँ पर जरूर से बता दें, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ST आयोग का चेयरमैन और स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में बनाया है और हम यहाँ बम्बई चल कर आए हैं। यहाँ जो राजभर संगठन के हमारे भाई अध्यक्ष यहाँ राजभर समाज के पूर्वज राष्ट्रवीर महाराजा सोहेल जी थे, उनका हजारों वर्ष पहले बहुत लड़ाई थी। इस इतिहास की जागृति के लिए 12 फरवरी को आसन पंचमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी धूमधाम से मनाई गई और हम लोगों ने आजमगढ़ में मनाया, बनारस में मनाया और आज यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पूरे राजभर समाज के लोग मिलकर अपने महापुरुष राजवीर महाराजा सोहेलदेव जी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए हम आज जयंती समारोह में यहाँ के सभी राजभर समाज के नौजवान साथियों का, पिता लोगों का, माताओं बहनों का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि आज आप लोगों ने यह बहुत बड़ा इतिहास बनाने का काम किया है कि जो उत्तर प्रदेश से आकर महाराष्ट्र के अंदर अपने पूर्वजों का इतना बड़ा सम्मान आप लोगों ने आज किया है जयंती समारोह मना के, इसके लिए पूरे संगठन के पदाधिकारियों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बड़े भाई रामभूपाल राजभर जी हैं, हमारे यहाँ के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्री जयराम राजभर जी, हमारे डॉक्टर उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं डॉक्टर वंश नारायण राजभर जी, उत्तर प्रदेश हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर पंचम राजभर जी, हमारे बनारस से चल कर आए हैं आदरणीय राजभर समाज के बहुत ही गौरव आदरणीय कमला राजभर जी, हमारे राजभर समाज के उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, बहुत ही सम्मानित हम लोगों के आदरणीय हैं आदरणीय रामभूपाल राजभर जी, वह मंच पर हमारे डॉक्टर प्रोफेसर हैं उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर डॉक्टर योगेश राजभर जी। सर ये क्या क्या अभी समाज को क्या संकेत देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य आपका? समाज को हम लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि जो हजारों साल से हमारा इतिहास दबा हुआ था, जो देश के लोगों ने यहाँ तक कि देश के आज़ादी के बाद जब सभी लोग हर समाज को अधिकार मिल गया, लेकिन राजभर समाज जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रहता है आज भी उसको हक अधिकार से वंचित किया गया देश के लोगों ने किया। अभी हम महाराष्ट्र की बात बता दें, यहाँ विमुक्ति जात में यहाँ राजभर समाज को रखा गया, सर्टिफिकेट मिलती है, लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा है, लेकिन राजभर समाज के इतिहास को ऐसे दबा दिया गया था जो सम्मान आज का करीब हजारों साल पहले मिलना चाहिए था अभी तक वो सम्मान नहीं मिला। जो राष्ट्रवीर की उपाधि महाराजा सोहेलदेव जी को मिली है, जैसे वीर शिवाजी उनको राष्ट्रवीर की उपाधि मिली है, महाराणा प्रताप जी को राष्ट्रवीर की उपाधि मिली है और तीसरे नंबर पर राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव जी को राष्ट्रवीर की उपाधि मिली है, जबकि सबसे पहले योद्धा महाराजा सोहेल जी पूरे देश के थे जिन्होंने देश के गौरव के लिए मुगल शासकों से बहुत बड़ी लड़ाई महाराजा सोहेलदेव जी ने लड़ी। इसलिए आज पूरा समाज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक महाराजा सोहेलदेव जी की जयंती मनाकर अपने इतिहास का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अब एकता बनाने के लिए आज सभी लोग संगठित होकर एक समारोह मना रहे हैं। सर आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया है, भारी संख्या में यहाँ पर राजभर समाज के लोग दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही, क्या कहेंगे सर? यूपी से भी इतने सारे नेतागण आए, जो है आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के तत्वाधान में है और हमारे पूर्वज राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव जी की 1007वां
जयंती है और इस पे पूरे प्रदेश महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य प्रदेश के भी सभी वरिष्ठ नेतागण और बुद्धिजीवीगण और महाराष्ट्र के राज्य में बसने वाले कोने कोने से राजभर समाज के लोग यहाँ पे इनके जयंती के शुभ अवसर पे आए हैं। ये एक संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि राजा सुहेलदेव हमारे धरोहर है और इनके इतिहास को दबा दिया गया है और इनकी सारी गतिविधियों को इतिहास से मिटाने का काम किया गया। लेकिन हम लोग अब राजभर समाज जागरूक हो गई है और महाराष्ट्र के लोगों ने जो बड़ा कार्यक्रम किया है इसके लिए यहाँ राष्ट्रीय राजभर संघ के सभी लोगों का और यहाँ के आम राजभर समाज के लोगों का हम अपने तरफ से आदरणीय आयोग के चेयरमैन साहब की तरफ से सारे लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम करा के प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में महासंघ के लोगों ने संदेश देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। आज की आप भारी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग आए हुए हैं और इस आप सभी नेतागण के भाषण सुनने के लिए क्या कहेंगे? राजभर समाज इस देश का मूल निवासी समाज और इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उस इतिहास के पुरुष महाराजा सुहेलदेव जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती सम्राट रहे हैं उनकी संदेश देना संदेश राष्ट्रीय राजभर सेवा जैसा हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने बताया है कि राजभर समाज यहाँ का प्राचीन जो मूल निवासी है इस देश का और एक तरह एक जमाने में राजभर इस देश के गौरवनीय शासक के रूप में थे, बहादुर जात के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी बहादुरी को देख करके इस देश के लोग इतना भयभीत हो गए कि आज राजभरों को उनकी संख्या उनकी जानकारी या उनकी पहचान बचाना चाहते हैं और उसी जागरण उसी पहचान को जिंदा रखने के लिए उनमें आत्मबोध होने के लिए ही ये राजभर समाज संगठन बनाया गया है और हम चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से राजभर अपने